Good afternoon, everyone. Welcome to class of English. I will listen Taro's reward. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, तारो एक युवा वुड कटर होता है जो अपने माता पिता की प्रत्येक इच्छा को पूरी करना चाहता है और उसके जो माता पिता है काफ़ी वृद्ध होते हैं और काफ़ी ठंड का समय है और एक दिन क्या होता है, काफ़ी तूफान आता है और क्या है, उसके पिताजी बोलते हैं कि काश मुझे भी एक ड्रिंक मिल जाता जिससे क्या है मेरे शरीर में गर्माहट आ जाती। और ये सुन के उसे बहुत दुखी होता है कि देखो मेरे पिता की इच्छा है ड्रिंक की, मैं उनसे ला नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो बहुत महंगी है। इसीलिए वो निश्चय करता है कि वो पहले से अधिक और कड़ी मेहनत करेगा और पैसे कमाएगा। और फिर वो क्या करता है, दूसरे दिन बहुत जल्दी उठता है और वो जंगल की तरफ जाता है, पेड़ पौधों को, लकड़ियों को, पेड़ को काटने लग जाता है। और अचानक क्या होता है, देन सडनली अचानक क्या होता है, तारो स्टॉप चॉपिंग, तारो जो है जो पेड़ों को काटता है उसे बंद कर देता है। What was that sound? ये आवाज़ कैसी है? He heard, जो वो सुन रहा है। Could it be, क्या हो सकता है? Could it possible be rushing water? शायद ये क्या है, पानी के बहने की आवाज़ है। तारो could not remember even seeing and hearing a rushing stream in the part of the forest. और जो तारो है उसे एकदम भी याद नहीं है कि जंगल में कहीं पर भी उसने कभी पहले कोई नदी बहती हुई देखी है या उसकी आवाज़ सुनी है। He was thirsty, और वो बहुत प्यासा था। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसने क्या किया, अपनी उसके हाथ में जो कुल्हारी थी उसे वो रखता है और जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा की ओर जाता है। तारो सा ए ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। जब तारो उस दिशा में जाता है तो वो क्या देखता है कि एक चट्टान के पीछे बहुत सुंदर सा झरना है। Kneeling at a place where the water flowed quietly, और जहाँ पानी बह रहा था वह वहाँ झुक कर क्या करता है, वो जगह झुकता है। He cupped a little in his hand, और वो अपने हाथों से क्या है ऐसे कि कप बनाता है। Put it to his lips, और वह अपने lips के पास रखता है। Was it water? क्या ये पानी है? जब वो पीता है तो वो सोचते हैं क्या ये पानी है। और was it sick? क्या ये ड्रिंक है? जब वो उसे पीता है तो वो कन्फ्यूज रहता है, झरना किस चीज़ का है, पानी का है, तो उसे पीता है तो बोले क्या ये पानी है, क्या ये ड्रिंक है, दोनों में से क्या है। He tasted it again and again and always it was a delicious sick instead of cold water. तो बताया गया है कि जब उसे डाउट होता पानी है या ड्रिंक है तो वो उसे बार बार टेस्ट करता है और जब भी वो टेस्ट करता है तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट ड्रिंक मिलता है, जहाँ उसे ठंडा पानी मिलना चाहिए उसकी वजह से क्या मिलता है, एक स्वादिष्ट ड्रिंक मिलता है। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। और बताया गया है कि तारो के पास एक पिचर यानी कि मटका था, वो अपने पास रखता है, वो उसे जल्दी से भर लेता है और वो जल्दी से घर चला जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ द सेक। बताया गया है कि वृद्ध व्यक्ति को जब वो ड्रिंक मिला तो बहुत प्रसन्न हुआ। आफ्टर ओनली वन सोलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप सिवरिंग एंड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। जैसे ही उसने ड्रिंक की एक घूंट ली और उसका क्या है, कांपना बंद हो जाता है और वो क्या करता है, फ्लोर यानी जो जमीन है उसके मध्य वो हल्का सा डांस करने लगता है। डेट आफ्टरनून ए नेवर स्टॉप बाई फॉर ए विजिट। और उसी दोपहर क्या हुआ, उसकी जो पड़ोसी है उनमें से कोई वहाँ आया। तारो's father politely offered her a cup of shek. तो वहाँ पे एक लेडी आई और तारो के जो पिताजी है उन्होंने क्या किया था, बहुत ही विनम्र के साथ उसे किया है शेक ऑफर यानी ड्रिंक ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली। और जो महिला थी वो लालची थी, उसने बहुत जल्दी उसे पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन। और उसने क्या है, उस वृद्ध आदमी को धन्यवाद कहा। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तभी तारो ने क्या किया, उसे वो कहानी बताई कि क्या यहाँ पर वो जो झरना है वो कैसा जादुई है, उसकी स्टोरी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। और वह वापस उन्हें धन्यवाद कहती है, कितनी स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए आपका बहुत